नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एयर होम्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक जो है सिंगल स्टोरी घर लेकर के आ गए हैं। काफी अच्छा एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो उसकी प्राइस मैं आपको बताने जाऊंगा। दोस्तों, प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको जो है कालवाड़ रोड पे, आपको रॉयल सिटी के जस्ट बैक साइड में, आपको बहुत ही ज़बरदस्त अफोर्डेबल प्राइस के अंदर 75 गज का ये आपको जो है प्लॉट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको दो रूम देखने को मिल जाएंगे। क्या कुछ देखने को मिलेगा, अपन सीधे सीधे अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पर जो है खुला बना हुआ है, और जैसे आप अंदर की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपकी जो है छोटी गाड़ी ईजीली पार्क हो जाती है। यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप अपना जो है गमले वगैरह लगा सकते हैं, ऊपर भी अपने गमले वगैरह रख सकते हैं, या फिर आप बैठने के लिए अगर सिटिंग अरेंजमेंट देखना चाहते हो, सिटिंग के लिए भी आप इधर जो है चेयर्स वगैरह इजीली लगा सकते हैं। पानी से रिलेवेंट यहाँ पर जो है आपको बाहर के साइड में टंकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो टंकी वहाँ पर देखने को मिल रही है। इन फ्यूचर कभी भी जो है भविष्य के अंदर ये पानी की यहाँ पर जो है लाइनें जब भी डलेंगी, जब पानी आपको जो है वहाँ से आने लगेगा, अभी पानी का जो है इधर टैंकर आपको जलाना पड़ेगा। स्टोरेज के लिए यहाँ पर जो है टंकी दी गई है, यहाँ पर नीचे आप पानी अपना स्टोर कर सकते हैं। स्पेस काफी अच्छा दिया गया है, जैसे अपन अंदर की तरफ एंटर होते हैं, एंटर होने से पहले यहाँ पर आपको बाहर के साइड में स्टेयर्स देखने को मिल जाएगी। जो रेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, स्टेनलेस स्टील की देखने को मिल रही है, काफी अच्छी क्वालिटी की जो है यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ जैसे आप एंटर होते हैं, व्हाइट कलर की टाइल्स से आपकी यहाँ शुरुआत होती है, व्हाइट कलर की टाइल्स यहाँ पे लगाई गई है, थोड़े क्रीमिश लुक के साथ में लगाई गई है। डबल पल्ले का आपको गेट देखने को मिल रहा है, सरल डिजाइन के साथ में जो यहाँ पर आपको सनमाइका का यूज की गई है, काफी अच्छी क्वालिटी की सनमाइका का यूज की गई है, काफी अच्छी क्वालिटी का जो है वुडन यूज किया गया है। साथ ही साथ 75 गज के अंदर काफी स्पेसेस के साथ में आपको जो है ये देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो इंटीरियर डिजाइन किया गया है काफी अच्छा सोबरली जो है डिजाइन किया गया है। जैसे आप एंटर होते हैं, एंटर होते यहाँ पर आपको जो है काफी अच्छे स्पेस के साथ में, काफी स्पेसेस के साथ में आपको यहाँ पर और देखने को मिल जाता है। डाइनिंग एरिया जो आप कह सकते हैं काफी अच्छा डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। कॉमन में आपको यहाँ रसोई देखने को मिल रही है, जो रसोई है हॉल के साथ में यहाँ पर आपको अटैच देखने को मिल जाएगी। सामने की साइड में जो टेक्सचर डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है, कोई वॉलपेपर नहीं है, काफी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर जो है काम किया गया है कारीगर द्वारा, काफी अच्छे कारीगर द्वारा काम किया गया है, देख सकते हैं काफी अच्छी फिनिशिंग की गई है। साथ ही साथ हॉल का स्पेस आप देख रहे हैं, काफी अच्छा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की साइड अगर आप देखते हैं तो फोर सीलिंग जो काफी अच्छी डिसेंट रूप में फोर सीलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर फैन दिया गया है, जो छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स दिए गए हैं, काफी अच्छी जो है यहाँ पर डिजाइन के साथ में काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ये किचन जो देखने को मिल रहा है, सेमी जो है वॉटर किचन देखने को मिल रहा है, सेमी वॉटर किचन है। यहाँ पर जो इसके चैनल्स यूज किए गए हैं काफी अच्छी क्वालिटी के चैनल्स यूज किए गए हैं, कलर पेंट जो यहाँ पर डिजाइन एक्सर यूज किया गया है, काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको वॉशिंग के लिए अभी एक अच्छा सिंक वगैरह भी दिया गया है, सैनिटरी का जो काम दिया गया है काफी अच्छा दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने जो है आपके मसाले वगैरह बर्तन वगैरह आप इजीली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर जो है काफी बड़ी अच्छी खिड़की दी गई है, ताकि आप जो भी खाना वगैरह पकाए उसका जो भी धुआं है वो यहाँ से बाहर निकल सके, और साथ ही साथ यहाँ पर इजीली आप सिलेंडर वगैरह रख सकते हैं। काफी अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको काफी इजीली से देखने को मिल जाता है, आप अपना जो भी रसोई का सामान है यहाँ पर इजीली आप रख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है आपको अटैच में देखने को मिल रहा है, हॉल के अंदर ही आपको जो है रसोई देखने को मिल रही है, काफी एक अच्छा मेरे को जो फ्लैट सिंगल स्टोरी का लगा। स्पेस काफी आपका अच्छा देखने को मिल रहा है, सामने डिसेंट आपको डिजाइन देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ पर फर्स्ट रूम की, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको रूम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दो रूम देखने को मिल रहे हैं, जो मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, ये जो घर दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपको दो रूम देखने को मिल रहे हैं, एक बैक साइड में है और एक फ्रंट साइड में है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये रूम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सिंपल लुक में डोर दिया गया है, काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर जो है वुडन यूज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर पीछे मैग्नेटिक पट्टी दिया गया है,
वॉशबेसिन देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में जो है आपको यहाँ पर बाथरूम देखने को मिल रहा है। बाथरूम के अंदर ये सेपरेट सेपरेट बाथरूम है। यहाँ पर जो है इस बाथरूम के अंदर आपको इंग्लिश टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, वेस्टर्न वाला। और जो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर सिर्फ ये टॉयलेट है, इसको आप टॉयलेट की तरह यूज कर सकते हैं। एक तरीके से बोला जा सकता है कि यहाँ पर आपको दो वॉशरूम देखने को मिलेंगे, एक में आपको अटैच में देखने को मिलेगा, एक में आपको कॉमन देखने को मिलने वाला है। तो और साथ ही साथ इस जगह पे आप खड़े हैं, रोशनी से रिलेवेंट भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए काफी एक अच्छी जगह दी गई है। अगर आप मिरर में देख रहे हैं, लाइटिंग के लिए होल्डर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ऊपर से काफी एक अच्छी रोशनी आ रही है। साथ ही साथ अब इस सेकेंड रूम के बारे में बात कर लेते हैं, इसको आप सेकेंड रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप बैठक की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं। दो कमरे, एक हॉल और एक यहाँ पर आपको जो है किचन देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर काफी एक अच्छे अलमीरा के जो है सेपरेटली पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर अपने डिजाइन, यहाँ पर जो भी आप फ्रेम्स वगैरह रखना चाहेंगे, डिजाइन पर कोई भी चीज रखना चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है अलमीरा का सेक्शन दिया गया है, और भी एक अच्छी यहाँ पर आप वार्डरोब्स रख सकती है, अलमारी रख सकती है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो बिल्कुल सेल्फ डिजाइन के साथ में यहाँ पर कोई जो है फोर सीलिंग का यूज नहीं किया गया है, डबल एलईडी बल्ब्स लगाए गए हैं, काफी अच्छा एक डिसेंट लुक देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ इस वॉल में देखेंगे तो यहाँ पर टेक्सचर डिजाइन देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वॉलपेपर नहीं है, ये टेक्सचर डिजाइन है, काफी अच्छे कारीगर के द्वारा ये काम कराया गया है। स्विचेस काफी अच्छी कंपनी के स्विचेस यूज किए गए हैं, डबल स्विचेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चार्जिंग पॉइंट्स काफी दिए गए हैं, आप चार्जिंग से रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर साइज की बात की जाए दोस्तों तो 8x7x10 का ये रूम आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको फ्रंट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो है खिड़की दी गई है, जिससे कि आपके घर में अच्छे से रोशनी आती रहे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डोर देखने को मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं, यहाँ से अंदर भी आ सकते हैं। मेन एंट्रेंस का गेट मिलता है यहाँ पे। इस कमरे में आपको दो जो है एंट्रेंस के और एग्जिट के गेट डोर देखने को मिल जाएंगे, उस तरफ से भी है जहाँ से ये अपने रूम का टच करता है, दूसरा यहाँ से जो है एंट्रेंस से भी आप आ सकते हैं। दोस्तों ये था रॉयल सिटी के बैक साइड में, यानी कि मेन रोड से 900 मीटर अंदर है। पानी से रिलेटेड यहाँ पर आपको सिर्फ अभी जो है टैंकर देखने को मिलेंगे, मतलब टैंकर यहाँ पर आप पानी का टैंकर चलाएंगे तो ही आपको पानी यहाँ पर अवेलेबल होगा। बिजली और सीवरेज की अगर बात की जाए तो बिजली कनेक्शन पूरा यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सोसाइटी द्वारा बनाया गया ये जो है मकान है, यहाँ पर आपको दो रूम देखने को मिले, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर भी अगर वीडियो में कुछ रह जाता है तो आप हमारे नीचे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं उसमें कॉल कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारे नंबर दिए गए हैं, वहां से हमें कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल कीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपको पूरा समझाया जाएगा। लोन कितना होता है, कितना लोन होगा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, ये सारी बातें जो है आप कॉल पे कर सकते हैं या फिर हमसे मिलकर कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये घर काफी पसंद आया होगा। अगर आप ईएमआई पे यानी कि घर लेना चाहते हैं, किराए से किराए के घर से जो है निजात पाना चाहते हैं, अपना खुद का घर ले सकते हैं, 2-3 लाख रुपए आप जो है डाउन पेमेंट दे करके बाकी पूरे का जो है आप लोन करा सकते हैं। आप लोन का भी जानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी काफी डाउन चल रहा है, तो आप बिल्कुल सही समय है, इस समय पे आप अपना खुद का घर ले सकते हैं। तो आई होप सो आपको घर काफी पसंद आया होगा। घर पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो में कुछ रह जाता है तो उसके लिए बिल्कुल माफी चाहता हूँ। आप मुझे कॉल करके जो है आगे की जो भी चीजें हैं उससे पूछ सकते हैं, कुछ चीज रह गई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप सो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ना कहीं नहीं जाइएगा, जो लाल कलर का नीचे बटन किया गया है उसको दबा करके सफेद कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, उसको सफेद कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको जो है हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी।